हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू स्टॉक चैनल। गाइज, आज मैं आपको एक ऐसे चावल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका रेट सुन के काफी सारे लोग हैरान हो गए हैं, और आप भी उसका एक किलो का रेट सुन के काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पर उसके साथ क्यों मैं आज आपको इस चावल के रेट के बारे में बता रही हूँ, और साथ के साथ मैं आपको इसकी एक खास चीज बता रही हूँ जो कि है बहुत ही ज्यादा अहम, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। ये चावल, अगर आप इसे चावल का सेवन करते हैं तो वो जो बीमारियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं ये चावल कहाँ पर पैदा होता है और क्या है इस चावल में गुण जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। हेलो गाइज, काफी सारे ऐसे जो जिले हैं, देश हैं, सब लोग चावल तो खाते ही हैं, और हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो सारी जगहें हैं वहां पर चावल तो उगाए जाते हैं, और बहुत कम लोग होंगे जो चावल नहीं खाते होंगे। एटलीस्ट ऑलमोस्ट लोग तो चावल खाते ही हैं, और चावल सुबह शाम दोपहर जब भी होता है तो वो चावल का सेवन करते हैं। चावल से कुछ लोग ये बोलते हैं कि चावल से मोटापा आता है, चावल जो कमजोर लोग होते हैं जिनकी बॉडी हेल्दी नहीं होती उनको चावल खाना चाहिए, वो हेल्दी होंगे, और भी काफी सारे उनमें गुण रहते हैं जो आपको नॉर्मल चावल आप खाते हो। अब नॉर्मल चावल आप लोगों को पता होगा कि 20 रुपए से उनका रेट स्टार्ट होता है, 20 रुपए किलो से, और 500 रुपए किलो तक उसका रेट जाता है। पर मैं आज आपको ऐसे चावल के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए, पर अगर मैं उसका आपको रेट बताऊं तो आप भी काफी ज्यादा हैरान होने वाले, क्योंकि जब उसका रेट मार्केट में आया तब बहुत सारे लोग हैरान हो गए। और वो चावल है काला चावल, और काले चावल का एक किलो का रेट है 1800 रुपए। अभी आपको लगेगा कि ये इतना ज्यादा क्या है इसमें जो एक किलो का रेट 1800 रुपए है। तो हम आपको पहले ये चीज बता दे कि इस चावल को लेके, ये मणिपुर में पैदा हो रहा है, इस चावल को लेके सरकार भी बहुत ही इसमें इंटरेस्ट ले रही है, सरकार इसकी ब्रांडिंग कर रही है, अलग अलग ब्रांड में लेके आ रही है, लोगों तक पहुंचा रही है, क्योंकि ये चावल ही बहुत ही ज्यादा औषधि वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है बॉडी के लिए। ये चावल का अगर आप सेवन करते हो, अगर आप बीपी के पेशेंट हो, तो आप अगर इस काले चावल का सेवन करते हो तब आपकी बीपी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, मतलब कि एक ना के बराबर हो जाएगी। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो भी अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आप शुगर के हो तब भी आपके लिए ये फायदेमंद है। और तो और, जो बहुत ही भयानक बीमारी मानी जाती है कैंसर की, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाती है, विपता आ जाती है, पूरे घर के लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तो ये अगर इस काले चावल का सेवन करते हैं तो वो जो कैंसर की बीमारी होती है, जो हुई बीमारी होती है बॉडी के अंदर, उसको कम करती रहती है। तो ये एक ऐसी मेडिसिन बन चुकी है जो सरकार मार्केट में लेके आ रही है और इसकी ब्रांडिंग कर रही है। और अभी तो नहीं, शायद आपको लगता होगा कि इसका एक किलो का जो भाव है वो 1800 रुपया जो है वो ज्यादा है। इस 1800 रुपए में अगर आप ऐसी सब बीमारियों के साथ आप इतना ज्यादा दवाई लेते होंगे तो शायद उससे भी ज्यादा पड़ जाता होगा आपका रेट। अगर आप ये चीज खरीदते हो तो वो काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। सो गाइज, ये बना है मणिपुर में, तो मणिपुर में अभी ये पैदा हो चुका है ये चावल। वहां के लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और वहां की सरकार भी बोल रही है कि वहां की आर्थिक जो व्यवस्था है इस चावल के चलते हुए, वहां की आर्थिक जो व्यवस्था बहुत ही ज्यादा बेटर हो सकती है। सो गाइज, आप भी अगर इसके बारे में जान के बहुत ही आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए कि एक ऐसी चीज जो हम डेली खा सकते हैं, जिसे हम बोर नहीं हो सकते हैं, वो चीज हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए, और जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।